ये इंसान जो आप देख रहे हो, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जमरोज सिंह वॉचिंग जमरोज सिंह ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम हो चुकी है तो आई एम जस्ट गेटिंग थोड़ा सा रेडी, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा तैयार होना बनता है। तैयार होना क्या है, बाल बूल समेट के परना पुरना बांध के आप रेडी हो सकते हो। तो गाइज, आज ऐसा है कि इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग, तो ये ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो रहा है और मैं, आप देख सकते हो मेरा बियर्ड इसमें बिल्कुल सेट नहीं है, सेट इसलिए नहीं है क्योंकि यूजुअली जब मैं बाहर, मुझे कोई काम शाम होता है तो तभी मैं बियर्ड वगैरह सेट करता हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं बियर्ड सेट नहीं करता हूँ घर पे, क्योंकि कौन फिक्सर वगैरह लगाए, और गर्मी है वैसे भी फिक्सर सारी गर्दन से नीचे हो जाती है, तो बेटर है कि मैं नहीं लगाता हूँ। और बाबा जी के दर्शन कर लो, पाठ का शुरू हो चुका है गोल्डन टेम्पल पे बाहर। तो मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देता हूँ एक बार, कितना सही है। तो गाइस बाहर नहीं, हम ऊपर छत पे टेरिस पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ का कैसा मौसम है। तो लेट्स गो। माय गॉड, लुक एट दिस वेदर मैन। कहाँ जा रहे हो भाई कबूतरों? सो गाइस, अभी देख सकते हो आप ये आज शाम को वेदर, आप देख सकते हो कबूतर एक, ये रहा दूसरा, यहाँ पे था भाग गया, ये लो ये भी है। सो गाइस, अभी ऐसा है कि बादलों की कड़कड़ाहट आप सुन सकते हो, क्योंकि मौसम बहुत ऑसम हो चुका है। टुडे मौसम इज़ ऑसम। तो हम थोड़ा और हाइट पे चलते हैं, यहाँ पे हवा कम चलती है, ऊपर थोड़ी बहुत हवा चलती है। Here we go, man. तो गाइज, ये हमारा ऊपर वाला टेरेस है, जो पोर्च के ऊपर जो हमारा सेट है उसका ये टेरेस है, वो नीचे वाला टेरेस था, देख सकते हो। दिस इज़ द अपर वन, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से सारा व्यू दिखता है सिटी का, ऑलमोस्ट यहाँ से सारा व्यू दिखता है, और यहाँ से भी सारा व्यू दिखता है। तो मौसम तो आप देख ही सकते हो, पतंग शतंग उड़ा रहे हैं लोग। टू मच भी थिंकिंग, मैं छत पे करके आ रहा हूँ अपनी सी लूज सी पतली सी टी शर्ट पहन के, भाई हवा लगाने आया, हवा का तो कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे, डायरेक्ट बारिश के चांस होने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ से हमारे वैष्णो देवी भी दिखाई देता है, अभी नहीं दिखेगा, रात को दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो, पता नहीं आपको विजिबल है नहीं है, कैमरा जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा, बट ये जो आप रेंज देख रहे हो, माउंटेन रेंज है जो ये वाली, यहाँ पे वैष्णो देवी है कटरा। तो रात को जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं तो ये सामने क्लियरली विजिबल होती हैं लाइट्स यहाँ से। अब तो खैर बारिश का मौसम है, तो बारिश वहाँ से चलते चलते यहाँ पर जल्दी आ जाएगी मुझे लग रहा है, और 10-15 मिनट में बारिश होने वाली है। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग, तो अब शाम हो चुकी है। मैं जैसे कि जगह जानी बचानी लगी रही होगी आपको, मैं वरुण के पास आया हूँ, वरुण के घर पे। तो आज ऐसा है कि भाई तुम्हारा उड़ाने वाला जहाज़, क्योंकि जहाज़ लॉकडाउन में बंद थे, तो भाई जहाज़ खुलते ही भाई खुद पायलट बनेगा, आज जहाज़ उड़ाएगा। और सबसे पहले आज ऐसे मैं बताऊँ कि जहाज़ जो है वो मैं, हमारे एक नॉन फ्रेंड है, तो उनका है, उनका नाम सिमरनजीत है, और मेरे कज़न के घर के साथ ही रहते हैं, हमारे बचपन से अब साथ खेले पले बड़े हैं, और कभी आए नहीं, मौका नहीं मिला व्लॉग में, बट आज उनका ही एक क्वाडकॉप्टर लिया हुआ उन्होंने, तो हम उसको टेस्ट करने वाले हैं और उड़ा के देखने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम प्लानिंग इन अ फ्यूचर टू बाय सम ड्रोन। और तो DJI का ड्रोन है गाइस, आई एम गोइंग टू फ्लाई दैट ड्रोन, और देखते हैं, उसकी रेंज कम है फिलहाल, बट देखते हैं कितना दूर जाता है और मैं उड़ा पाता हूँ, लाइक हूँ उसके कि नहीं। ये इंसान जो आप देख रहे हो, ये है मेरा फ्रेंड सनी, जिनकी मैं बात कर रहा था, इनका ड्रोन है, और ये इसको तो क्या इंट्रोडक्शन देने का। तो गाइस, सबसे पहले हम बता देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास ड्रोन कौन सा, ये DJI का हमारा टेलो मॉडल है, स्विच ऑन कर दिया हुआ हमने इसको, अब नीचे रखेंगे, फ़ोन के साथ ही पेयर होगा, और भाई इसको उड़ा के दिखाएगा एक बार, फिर नेक्स्ट टाइम मैं खुद ट्राई करूँगा।
सो गाइस हियर वी गो। आवाज भी काफी अच्छी और नॉइस कम है इसकी। और ये उड़ क्या उड़ के दिखाएगा अभी। ओह मैन इट लुक्स सो कूल, देख सकते हो आप उसके फोन में मेरा वीडियो। वेरी नाइस यार। तो गाइस इसकी रेंज अराउंड 30 मीटर है और 15 मीटर की हाइट अचीव कर लेता है। नेक्स्ट फ्यू शॉट्स ड्रोन शॉट्स होंगे, मेरे पहले ऑफिशियल ड्रोन शॉट्स। शॉट्स आपने जो देखे वो बहुत ही मतलब अभी नया नया ही लिया हमने तो सीख ही रहे हैं, बट फिर भी जो इतनी कोशिश हमसे हो सकती थी जितना हम कर सकते थे हमने अच्छे ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा ही उड़ाया, मुझे अभी ज़्यादा हाथ सेट नहीं है उस पर। तो इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग कि अगर मैं एक ड्रोन बाय करता हूँ तो ऑब्वियसली DJI का स्पार्क या मिनिमम स्पार्क तो मैं बाय करूँगा। शाम हो गई है, अभी डाइट का टाइम भी हो गया भाई के। आफ्टर दो शॉट्स टाइम हो गया भाई के डाइट का। भाई कहीं पर भी वो डाइट तो मिस नहीं करता। तो अभी ऑमलेट एग वाइट्स का और नींबू पानी के साथ हम गोना हैव इट। इट्स 8:13 द इवनिंग। अभी हम यहाँ पे बैठा खाया भी वरुण के पास, तो अब टाइम हो चुका है मैं घर जाऊँ। फटाफट निकलते हैं, लेट बहुत हो गया। मैं वरुण के घर से घर पहुँचा हूँ जस्ट, और रात के अभी डिनर टाइम और पेन ड्राइव्स वगैरह अभी भी मेरे आसपास ही भटकती रहती हैं। तो डिनर में आई एम हैविंग दिस दाल, चने की दाल एंड राइस, वाइट राइस विद सैलड। और साथ ही साथ में यहाँ पे मेरे घर पे मामा आम का अचार भी डाल रहे हैं। कि टिकटॉक बैन हो चुका है, तो इट्स वेरी सैड फॉर दोज जेन्युइन क्रिएटर्स जो मतलब कि जेन्युइनली हार्डवर्क करके अपना टिकटॉक चलाते थे। बाकी मेरे जैसे तो होते थे वो फन के लिए करते थे, बट देर आर सम जेन्युइन क्रिएटर्स। और आई होप के मतलब कुछ ना कुछ नए लॉज एंड वगैरह कुछ निकले या नए ऑर्डर मिले या कुछ नई ऐप निकले से क्रिएटर्स की मेहनत वेस्ट ना हो यार, जिन्होंने मेहनत से काम किया। आई एम हैविंग माई डिनर, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। विद दिस सेड आई एम साइनिंग ऑफ दिस वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। टिल देन टेक केयर, शब खैर, बाय बाय, गुड नाइट।